हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो चलिए हम अभी निकल रहे हैं कहाँ? शिलोंग। यस शिलोंग, आपने सही सुना, शिलोंग। तो जी सीन ऐसा है कि हम अभी फिलहाल डाउनटाउन बस स्टॉप में बैठे और बस का इंतज़ार हो रहा है और हमारे साथ है मिस्टर सस्वत, तविता और जीतू भैया। तो हम अभी बस के लिए रुके हैं, तो बस आएगी और हम जाएंगे इधर इधर मतलब शिलोंग। ले जाने हो कि मलाई टाड़ा कहीं मोहलाए रहा। फर्स्ट टाइम में टिकट करने का नतीजा एकदम लास्ट में सीट मिला है और अंकल भी मिले साथ में कंपनी देने के लिए और बाकी लोग आगे बैठे हैं। तो हमारा है विंडो सीट और उन्होंने कहा है कि हमें आगे देने के लिए, अभी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पीछे का नज़ारा एंजॉय करिए। तो जी अब हमें जो है यहाँ पे कोई जगह है, नहीं पता जगह का नाम, तो यहाँ पे रोका है क्योंकि हम लोगों को अब अपना कोविड सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ दिखाना है ना। तो ये सब दिखा के फिर आगे का रास्ता तय होगा। अभी हम लोग का ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, वैक्सीनेशन सब कुछ वेरीफाई हो गया और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं बस की ओर। और आप लोगों को बता दे रहा हूँ कुछ, आप लोग का अगर आओगे इधर तो टिप्स दे दे रहा हूँ। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों के पास स्टूडेंट का कुछ कार्ड है, आईडी कार्ड है, अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना ठीक है। आने के बाद यहाँ पे काउंटर जो इधर में इधर वाला काउंटर है इसमें आना, जहाँ पे आपको एक ऐसा वाला कागज़ में आप लोगों को क्या बोलते हैं लिख के देंगे, तो ठीक है आप लोग आना, आके बोलना हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आप अपना वैक्सीन और बाकी डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स कुछ भी दिखा देना, आपको ये लिख के दे देगा, हो गया। या फिर और एक ऑप्शन है, आप मेघालय टूरिज्म का ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे अपना सारा डिटेल्स भरना और आप अगर आपके साथ और भी लोग हैं उनका भी डिटेल्स भर देना, फिर 2-3 ये सब काउंटर में चले जाना। यहाँ पे जाने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपको एक जन जाने से ही काम ख़त्म है और आपको पूछेंगे वैक्सीनेशन ले लिया, वैक्सीन हो गया आपका, हो गया तो ठीक है, तो फिर लेना और ये वाला दे के लेके चले जाना, ठीक है। जाने हो कि मलाई टाड़ा कहीं मोहलाए रहा। जान मन छैन भने लाने छौ कि फेरि बाधेर। लैजाने हो कि मलाई टाड़ा कहीं मोहलाए। जी जनाब, अभी सीन ऐसा है कि हम आए थे ज़रा ये कहीं पे बस स्टॉप है और यहाँ पे हम रुके हैं, फिलहाल होटल है ना, और आप भोजन वोजन किया जाएगा, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करके आए हैं। और ये टॉयलेट है, हमने अभी सुसु किया है और एक चीज़ अच्छा लगा है कि यहाँ पे टॉयलेट बहुत साफ़ सुथरा है और इन्होंने हाथ नहीं धोया है। आपने हाथ क्यों नहीं धोया बताएंगे सर? तो पहली बार मैंने देखा है कि फिश का भी पिकल बनता है और मैंने इसको आज यहाँ पे देखा है, मछली का अचार। सपना हर साचे नया नौलो डाड़ा पारी खुशियाली पौने हो कि मेरो सपना हर पनी उन्हीं सुंपिने हो कि नया नौलो डाड़ा पारी खुशियाली पौने हो कि मेरो सपना हर पनी उन्हीं सुंपिने हो कि। आ चुके हैं और हमें लेने आया है मिस्टर बोनिल, कैसा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हम लैंड कर चुके हैं, कहाँ पे?
कहाँ पे? पुलिस बाजार, पुलिस बाजार नहीं, मेन जगह बताओ। शिलोंग। शिलोंग पुलिस बाजार में लैंड कर चुके और हमारे साथ है मिस्टर बोनिल और अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? कहाँ पे? होटल। हमारा हिप्पो के लिए रूम मिल गया है, हमारा रूम यहाँ पे नहीं है, हमें फिर दूसरे रूम में जाना है। तो हिप्पो टाटा, हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। चलो ऐसा है कि यहाँ पे अभी होटल नहीं मिल रहा है हम लोगों को और जो मिल रहा है बहुत कॉस्टली है, हम लोगों के पास बजट इतना नहीं है, तो उन दोनों को मिल गए रूम। और अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ बोर्निल के रूम में, तो वो यहीं पे पड़ रहा है, तो उसका रूम इधर ही सामने है, तो मैं इसके साथ रह जाऊँगा, वो लोग दोनों उधर और एक बंदी उधर, तो हम लोग सब अलग अलग रहेंगे, कल जाके मिलेंगे वापस। खड़ी चढ़ाई है और हमें इसको चढ़ना पड़ रहा है, देख सकते हैं अभी और ऊपर जाना है जी। हम पहुंच गए ऊपर और हमारे जीतू भैया भी पहुंच चुके हैं, बस एक बंदा जो ज़्यादा जोश दिखा रहा था वो लास्ट आखिर में है, आ रहा है। हाउ इज द जोश? यही जोश है तुम्हारा? कहने लगे भाई साहब, सीन ऐसा है कि हम है शिलोंग में, आपका स्वागत है शिलोंग में, और नज़ारा कुछ ऐसा है, और अभी फिलहाल टेम्परेचर है कितना? 16 और अभी शाम के हुए हैं 4 चार, हाँ 4 बज चुके हैं, और अभी मौसम ऐसा है और ठंडी भी बहुत है, हाथ काम नहीं कर रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, हवा भी बहुत तेज चल रही है, और आप नज़ारा देखिए। अब आ गया हमारा गर्मा गर्म पूरी, अभी हम खाएंगे पूरी और बोर्निल भी है, तो पेट पूजा करते हैं बाद में काम। सीन ऐसा है, हम मैं और बोर्निल हम निकल चुके हैं मतलब चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के लिए, और ठंडी बहुत है, मैंने नीचे 4 फिर 2 स्वेटर पहना है, फिर भी ठंडी लग रही है। अभी फ़िलहाल शायद 11 डिग्री है कुछ, और अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, आगे जाके हमें बाकी लोग मिलेंगे। तो जी अभी सीन ऐसा है कि हमें पता चला है कि अभी टिकट आउट ऑफ स्टॉक मतलब टिकट ख़त्म हो चुके हैं और हमारा पॉपअप हो चुका है, या फिर दुनिया भर के लोग लाइन पे है, दिख नहीं रहा होगा पूरे। तो सीन ऐसा है, अभी देखते हैं थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, अगर टिकट मिलता है तो सही है, नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई सीन ऐसा है कि बहुत दुख की बात है, हमारे साथ पोपट हो गया और अभी हम फिलहाल पेट पूजा करने के लिए ओमेगा बोल के रेस्टोरेंट है, इसमें आए हैं और मेरे साथ बोर्निल, और हमें मतलब वहाँ पे टिकट नहीं मिला, मतलब ख़त्म हो चुका था, तो हम लोग नहीं मिल पाए, तो कल फिर ट्राई करेंगे वहाँ पे। तो भाई साहब सीन ऐसा है कि अभी हमने पेट पूजा कर लिया है और हम आ चुके हैं हमारे बोर्निल भाई साहब के रूम पे, और ये रहे हमारे भाई साहब थोड़ा व्यस्त हैं, तो आप लोगों को रूम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, अगर आप लोग इधर आ रहे हो तो अगर आप लोग ज़्यादा लोग हो या अभी कम लोग हो कुछ मतलब नहीं है, अगर आ रहे हो तो पहले से बुकिंग कर लेना किसी होटल में, अगर ज़्यादा लोग हो तो एक काम करना पीजी वगैरह कर लेना, सस्ता पड़ेगा, और अगर होटल ले रहे हो तो भाई आपका पैसा पड़ जाएगा कि ना आपका पर डे का एक जन का 700-600 ऐसे करके लग जाएगा, थोड़ा कॉस्टली है, तो आप लोगों को और सस्ता चाहिए तो आप लोग पीजी वगैरह डोमिट्री या पीजी लो वगैरह कर लेना, यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा। और आप लोग अगर और खाने का बात, यहाँ पे खाने का आप लोग ये करना कि होटल वगैरह में बहुत सारा आपको टेक्स्ट वेक्स मतलब ये ले लेंगे, तो स्ट्रीट में चले जाना, तो वहाँ पे आपको बेस्ट खाना मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा, सस्ता मतलब ऐसे नहीं कि मतलब बहुत सस्ता, मतलब मेरे ही वहाँ से यहाँ पे कंपेरिजन में थोड़ा, जैसे कि वहाँ पे 10 का पूरी यहाँ पे 30 में मिलता है, तो वैसा तो चल जाएगा। मेरा बात अलग है, मेरा खर्चा मतलब हो रहा है ज़्यादा नहीं, फिर मेरा रूम का भाड़ा बच गया क्योंकि हमारे साथ ये स्पॉन्सर किया है इन्होंने हमें एक रात के लिए यहाँ पे, एक रात दो रात के लिए स्पॉन्सर किया है, तो भाई होटल का खर्चा बच गया, खाना का खर्चा उठा लेंगे आप, देखिए ऑडियंस देख रही है, उठा लेंगे। चलो और क्या चाहिए तुमको? बाकी भाड़ा मेरा आने जाने का घूमने का वो दूसरा लोग देगा। कौन लोग? वो
मेघालय टूरिज्म अगर देख रहे हो तो स्पॉन्सर कर लेना भाई।